हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसे घर पड़े पड़े डबल रोटी को उरली लग जाती है, ऐसे मुझे भी पड़े पड़े घर में मेरे दिमाग को उरली लग रही थी। तो आज छुट्टी थी, हमने फ़ायदा उठाया इसका और हम चले आए हैं बैरन डाउन। सिर्फ नाम का डाउन है, हराम खोर इतनी बुलंद चढ़ाई। सीढ़ियाँ देख के मुझे चेन्नई एक्सप्रेस की वो डाली जा रहा है। वेयर इज़ द टेंपल? नम्मा, वेयर इज़ द टेंपल? बस 300 सीढ़ी चढ़ते ही पहुंच जाए। 300? खैर हम आ गए। बानु तूने वो सुना है हरा समंदर ना सुनी पॉइंट? हरा समंदर होता है, आज तुझे मैं दिखाता हूँ सूखा समंदर। हाँ, 20 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम अभी टॉप पे तो आ गए। मैं काफ़ी खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाता हूँ, उस तरफ सी है सारा और हमें जाना है वहाँ आगे, वहाँ पर है फोर्ट, तो फोर्ट पे चलते हैं। साथ एज चकनाइजर बानो भी हैं। बानो हमेशा ये देख लें उनके हाथ लुई वितान का बैग है, इसके अंदर मेरा ड्रोन है। कैसा? लेकिन बैरन डाउन आ गए, बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग बताइएगा। मैं आ गया हूँ, आप देखें मेरा ब्लॉग, मैं आपको आगे सारा दिखाता हूँ। आप देख लो बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त, ऑल द वे डाउन आगे फोर्ट तक जा रहा है। अगर पाकिस्तान में रास्ता होता ना तो क्या होता, वहाँ पे रास्ते में बिक रहे होते चाय, गरम चाय, फुल्ले, ठंडे जूस, पापड़। और जो सबसे बुरी बात होती कि यहाँ पे ये मोबाइल शोबाइल सब लुट जाता, कैमरा छीन के ले जाते हैं हमारा। सो इस चीज़ से ज़रा यहाँ पर सुकून है। बाकी आई मिस पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। करना पड़ता है पागल, करना पड़ता है, हेट कमेंट्स आएंगे नहीं तो। 25-30 मिनट वॉक करने के बाद जो है वो सामने फोर्ट आ गया है। एक चीज़ देख के इतनी मायूसी हुई कि हम जैसे ही ऊपर चढ़कर आए, यहाँ कहीं बोर्ड नहीं था कि जी ए चर्चल या जी ए कोइन, कोई था ही नहीं बोर्ड। तो इसको सोचना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा सिंध में मैं गया था एक पहाड़ पर, जब मैं टॉप पीक पर पहुँचा तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था जी ए भुट्टो। तो यहाँ पे ये लोग घोरों को इस चीज़ की बिल्कुल अकल नहीं है। नहीं बसता है। वो जो पीछे औरत नहीं सो रही, उसकी तरह सोना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ।
तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और अब शाम हो रही है, हम चलते हैं घर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।